अरे सुनो जरा तेज चलाओ। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे चलाना। अरे वो निकल गई, निकल गई। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। मैं राइट जाना है सर। अब चलना। अंडरवेयर के बिना बाहर निकल सकते हो, पर पासपोर्ट के बिना टॉयलेट भी मत जाना, क्योंकि पुलिस ने अगर एक बार पकड़ लिया तो घुसेड़ देगा जेल में सड़ने के लिए। बाप रे बाप, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। स्टॉप मैन। अरे प्रभास, एक गई दूसरी आएगी। अबे चल लेफ्ट ले रहे। अबे राइट लेना है सर। चल तेरी भैंस की। Hey, come on, move fast. Sorry, sorry boss. Hey man, for sorry, sorry bola na yaar. Hey, stop, hey. My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the churches, minister and this community. Why are you so late, Nandini? Come on, so let's move. Let's go. He has already consecrated you in baptism, and now he... enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may perform the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Sebastian and Mary, okay, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each other? Please, Father, please, no. Please, Father, please! For the rest of your life. Oh, God. Accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ. May the Lord bless you. No. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Hey! Please, Father, आज के बाद लेट कभी नहीं। अंगार पे बैठ के बोलोगी तब भी यकीन नहीं होगा। मैं माफी मांगती हूँ फादर। झुकोगी तब भी नहीं करूँगा। जोसेफ। Yes, Father। इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। कोरस गाने के लिए कभी मत बुलाना। Okay, Father। Father! प्लीज फादर, ऐसा मत मूवमेंट करो। प्लीज फादर, 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 मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे पिता जैसे हैं। माफी मांगी ना आपसे, अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा ना कि झुक के मांगोगी तब भी माफ नहीं करूंगा। प्लीज फादर, एक चांस और दीजिए। अच्छा बिल्कुल फादर, हम लोग टॉस कर लेते हैं। प्लीज फादर, मेरी बात तो सुनिए। पैर पड़ती हूँ। पैर को हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे। फादर, अपने खुद के फादर और चर्च के फादर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कन्फेस करती हूँ। इतनी जल्दी? कल पार्टी में दोस्तों ने कहा शराब पीने के बाद ईश्वर से मुलाकात होती है, ऐसा मौका थोड़ी ना कोई छोड़ता है, इसलिए मैंने भी थोड़ी चख ली। तुमने शराब पी तो ईश्वर से मुलाकात हुई? किस्मत कहाँ जो ईश्वर से मिल पाती। फिर क्या हुआ? मेरे साथ धोखा हुआ फादर। कैसा धोखा? उन्होंने कहा एक ग्लास पीने से ईश्वर नहीं दिखते। तो उसके बाद तुमने क्या किया? कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने पूरा खंबा चढ़ा लिया। तब उन्होंने मुझे ईश्वर नाम के बारटेंडर से मिलाया, इसीलिए चर्च में लेट आई। फादर, फादर! छी, तुमने मेरे और चर्च का अपमान किया। अब यहाँ मत आना, वरना बाकी लड़कियाँ बेवड़ी हो जाएंगी। फादर! मुंह बंद, अपने बदन से ये पवित्र कपड़ा उतारो और यहाँ से दफा हो जाओ। फादर, 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 रुकिए, मैंने तो सच बता दिया। मुंह बंद। फादर, कितना भाव खा रहे हैं। प्लीज फादर, रुक जाइए। फादर, मेरी बात सुनिए। क्या बहरी हो? कहाँ ने कपड़ा उतारा और चली जाओ।
ओपनिंग कैसे करूं? वाह, क्या फिगर है यार, इंडियन हो? हा, सुपर, व्हाट अ फेस, ब्यूटीफुल, एकदम हटके, माइंड ब्लोइंग। मी, मैं भी अच्छा हूं, मैं हैंडसम हूं, क्या मैं, कैन आई सिट हियर? एक्सक्यूज मी सर, यस, इजंट शी प्रिटी? यस, शी इज वेरी प्रिटी, शी लुक्स लाइक एन एंजल। मुझे फेस रीडिंग आती है। एक बार किसी को देख लूं तो उसकी फाइल खोल सकता हूं। भगवान ने तुम्हें ऊपर से बनाया तो परी की तरह है, लेकिन अंदर से हो तुम चुड़ैल। ये जो तुम चॉकलेट खा रहे हो, ये चोरी की है। और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। एक चॉकलेट बैग में है, दूसरी तुम खा चुकी हो। रुको, आओ। दिखने में तो तुम बड़ी भोली भाली हो, लेकिन रात को तुमने बेवड़ा पिया था। वेट वेट वेट, एक पैक नहीं, दो पैक, तीन पैक, पूरी बॉटल चढ़ाई। एक्सक्यूज मी मैडम, शी इज अल्कोहलिक, शी स्टोल चॉकलेट्स, शी इज अ थीफ, पुलिस पुलिस। ओए, ए, चल निकल यहां से। मत कर इतना गुरूर, क्यों है खजूर, तेरा बाप मजदूर, मजदूर। अबे चुप, मुंह से गा, कहीं और से नहीं गा। मुंह से रहा हूं, आवाज कहीं और से आ रही है। ए रुक रे, अपना हीरो किधर गया, प्रैक्टिस नहीं कर रही? वो जम के कर रहा है, मेरा मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है पर इंडियन लड़की के साथ। इंडियन लड़की? पुलिस ने पकड़ा तो वो छोड़ देगा, लेकिन इंडियन लड़की ने पकड़ा तो समझो तुम सब के सब लग गए काम धंधे पे। डायरेक्ट ले करके छोड़ेगी। यहाँ की इंडियन लड़कियाँ बहुत ही पावरफुल और डेंजरस क्लास लेती हैं। हम यहाँ खुद के बजाने आए या गाने के लिए? हमें से गाना तो सिर्फ प्रभास को आता है, हमें तो बजाना भी नहीं आता। हाँ, हमारी पहले ही बच चुकी अबे, है। अगर तुम लोगों की इतनी फट रही है ना तो जाओ जाके उसको ढूंढो। अरे खुद की खबर नहीं, उसको कहाँ ढूंढेंगे। एक्सक्यूज मी सर। वाह इतना मीठा सर। यस सर, क्या आप लोग इंडिया से यहाँ बजाने आए हैं? करेक्ट बेबी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर मत छुओ, मैं बड़ा स्टार हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। सर, म्यूजिक मेरे रग रग में है। मेरी भी। सर, मैंने सुना है कि आपके ट्रूप में गाने के लिए कोई लड़की नहीं है, प्लीज मुझे चांस दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन तुमने बाथरूम के अलावा कहीं और गाया है? एक बात और, चर्च के बाहर कोरस गाती थी सर। चोरस क्या है भाई, इसे के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। है? अरे यार, अब इसे कैसे समझाऊं? अरे गुरुजी, बोलना। फोन है सर, किसका? मुझे एक चांस दे। एसपीबी, एसटीडी, एसपी बाल सुब्रमण्यम। एसपीबी? अच्छा अच्छा, उनके पास फिलहाल काम नहीं है इसलिए फोन किया होगा। उनको बोलो कि विदेश में टूर पे निकले, बाद में फोन करें। सर आपके पैर कहाँ है? सर मुझे भी गाने का मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं गाकर सुनाऊं। नहीं नहीं नहीं, गाने की जरूरत नहीं है, कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाना, देखते हैं। प्रॉमिस। ओके। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, ऊपर। मैं नहीं, मेरा म्यूजिक। ज्यादा मत कूदो, हिलती है सिस्टम, हिलती है। मैं कल फिर इसी वक्त आ जाऊंगी, बाय टाटा, थैंक यू। ये एकदम हीरोइन लगती है ना? लगती नहीं है, ये हीरोइन ही है। स्विट्जरलैंड में इंडियन हीरोइन। इसी लड़की के साथ प्रभास प्रैक्टिस पे था। तो पहले खोलना चाहिए था ना, अब मुंह खोल रहा है। एसपीबी का फोन नहीं था, मैं चूरन दे रहा था। पर तू समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। गई भैंस पानी में, अगर शादी से पहले कोई फूल खिल गया तो। प्रभास का उससे दूर रहना ही ठीक है। मुझे यकीन नहीं, भरोसा है, अब हम यहाँ से इंडिया नहीं परलोक ही सिधारेंगे। नो फिकर दोस्तों, हीरो और हीरोइन के बीच में आराम से गलत फहमियां पैदा कर सकता हूँ, वेट एंड सी। हमारे लिए 5-स्टार होटल में रूम बुक है और तू यहाँ पे तारे गिन रहा है? प्रैक्टिस में नहीं आया था, कहाँ घूम रहा था? वो लड़की कौन है? तुझे कैसे पता चला? तू रात को गिन रहा है तारे, मतलब प्यार हो गया तुझे प्यारे। वो
अच्छा वो हाँ। अरे वो लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, वो तो एक परी है जिसे ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाकर भेजा। लगता है पागल खाने भेजना पड़ेगा तुझे। तेरी तो मेरे हीरो, लड़की और मोबाइल फोन सिलेक्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके मॉडल हर हफ्ते नए आते। अगर तू उसे देखता तो तू ये बकवास नहीं करता। शायद उसे इसने देखा। मैंने पूरा नहीं देखा। इसने भी नहीं देखा, उसने तो मुझे सीधा यहाँ छुआ है। उसने तुझे कहाँ छुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आज सुबह एक लड़की आई थी गाने के लिए, उसे देखेगा तो फुदक उठेगा। मेरा फुदकेगा? मेरा दिल फुदकेगा? क्या मैं भूखा लगता हूँ कि मैं किसी भी लड़की को आई लव यू बोल दूंगा? उसे देखेगा तो घंटी बजेगी। घंटा बजेगा, जोर से बजेगा। चल चल, तुझे पसंद आएगी। अरे नहीं बजेगा। अरे प्यार हो जाएगा। अरे नहीं होगा। क्या बोलता हूँ, एक बजेगा। अबे एक दूंगा तेरा एक बज जाएगा। कल हम वो लड़की तुझे दिखाएंगे, अच्छी लगी तो आई लव यू नहीं बोलेगा, बल्कि वो लड़की तो क्या दुनिया की किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोलेगा। ओके ओके ओके, नहीं चलेगा, तुझे इस बात का वादा करना पड़ेगा। ये ले बापू की कसम खा। माय डैडी, स्वीट डैडी, इनकी कसम खाओ, ये ले। शायद तुम्हारा बेटा तुम्हें याद करेंगे। हीरो, एक बार फिर से सोच ले, उसे मिलने के बाद अपनी कसम बदल नहीं सकता, वरना डैडी की ऊपर की टिकट कट जाएगी। एक बार फिर सोच ले, एकलौते डैडी। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा है? चल दिखा कितनी सुंदर है वो, देखता हूँ मैं। चल टी-शर्ट छोड़। चल दिखा, देखता हूँ कि मेरा एक बचता है कि नहीं। चल क्या देता है? अबे चल, कहीं वो तुम्हें टोपी तो नहीं पहना गई? कहाँ है वो लड़की? तो वो लड़की देखना चाहता है ना, वो फूल उन फूलों की दुकान में है। उस दुकान में जा, वो जिसके हाथ में फूल है। देखना। हिलने लगा ना, आई लव यू बोल रहा है दिल? नहीं बोल रहा है। मैंने डैड की कसम क्यों ले ली? वैसे ये लड़की भी बहुत सुंदर है, पर मैंने कसम ली इसलिए मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा। अच्छा, बापू की कसम, लॉटरी लग गई। सालों ने मस्त फिटिंग की है, अगर वो बोल दे तो फिर तो चलेगा ना, इससे कसम भी नहीं टूटेगी। नहीं, वो लड़की मुझे आई लव यू बोलेगी, वो लड़की मुझे। तो जैसा लगता है बोल, वो लड़की तुझे आई लव यू बोलेगी। ए चुप कर, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तो बंद हो जाएगा। उसकी फिल्म का शूटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने पैकअप करा दिया। एच कुछ मी मैडम सर, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। आप यहाँ आए, मेरे सारे फूल महकने लगे। कैसे जब से तुम्हारी आवाज सुनी है तब से कोयल की आवाज भूल गया हूँ। यस, तुम्हें मौका दूंगा, फैंटास्टिक। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने वर्ल्ड टूर में ज्वाइन करो। अब मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, मैं सुपर स्टार बनाऊंगा। लेकिन दिल की मानता नहीं है। ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है कि तुम सच सुन नहीं पाओगी। सोचिए मत, बस कह दीजिए ना। दरअसल हमारे ग्रुप में 6 फुट 6 पैक वाला एक स्टार सिंगर है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, और लड़कियां भी उसको देख के पागल हो जाती है। अगर तुम्हें चांस चाहिए तो उसके साथ डांस करना पड़ेगा। उसे मैं सुधार दूंगी। कौन है वो? है कहाँ? वो देखो, वो खड़ा है मेरा दोस्त। देखो उसका स्टाइल तो देखो, हीरो लग रहा है ना। ये तो वही फेस रीड करने वाला है। हाँ तो छैया करने को तैयार हो जाओ, मैं भी आऊंगा। मैं एक भारतीय नारी हूँ, कोई अमेरिकन या रशियन नहीं। मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना, तुमको और तुम्हारे ग्रुप को जय राम जी की। अभी तो तैयार थी, अभी तुमको दोस्ती यारी में। आई लव यू टू, थैंक यू। मेंटल सॉलिड था ना, एकदम फाड़ू। अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात भर करेंगे। तो चलो।